तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पार्टनरशिप की जो फंडामेंटल चैप्टर्स है उसमें हम लोग एक टॉपिक है सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। ये बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसलिए हम आपको इसमें करा देते हैं। सैलरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कमीशन टू पार्टनर है वहाँ आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक मिलती है, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि कमीशन एज अ इतना परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और एक जगह लिखा होगा कमीशन एज इतना परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सपोज कर लो मैं इस परसेंटेज को मान लेता हूँ ये 5% है, तो ये लैंग्वेज में ही लिखा है 5% किसका, ऐसे प्रॉफिट का जो कमीशन के बाद हो। तो सपोज कर लीजिए मैं कहता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ये हमारा मान लीजिए कोई प्रॉफिट है और इसमें से मुझे कमीशन देना है, तो ये है मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है ना। अब जो परसेंटेज है वो मेरी इसकी 5% है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 5 है, तो ये कितना होगा 105। ये समझने वाली बात है, हमें जो कमीशन देना है 5% किसका देना है, 5% ऑफ 100, लेकिन वो निकलेगा तब जो कमीशन होगा। तो हमारे पास जो अमाउंट दी है वो है 105, तो इसका तरीका क्या होता है, जो निकालने का तरीका है, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, ठीक है। अब इसी चीज को यहां समझ लें, ये मान लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, इसमें से मैंने कमीशन दिया तो ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब यहां जो परसेंटेज है कमीशन की वो इस प्रॉफिट पे है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो मुझे इसे कमीशन निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू परसेंटेज अपॉन 100। फ्रेंड्स, अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा लेकिन जब आप क्वेश्चंस में जाएंगे तो आपको ये चीज़ बड़ी टिपिकल लगती है, तो आपको टिपिकल नहीं करना है, आपको सिंपल तरीके से करना है, ठीक है। चलिए इसकी कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, समझ में आ जाएंगी आपको। देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, जो भी है आर इन पार्टनर्स, एक्स टू गेट कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग कमीशन, वाई टू गेट 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। देखिए कितनी बढ़िया लैंग्वेज है, आप समझें इस चीज़ को। तो चलिए हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी वर्किंग मैं दूसरी तरफ करूँगा।
तो यहां पर है बाय प्रॉफिट कितना है हमारा, दैट इज 55,000। अब एक्स को जो कमीशन मिलना है, तो एक्स का कमीशन देखिए, प्रॉफिट बिफोर एक्स एंड वाई कमीशन, वो कितना है 55,000। एक्स का कमीशन क्या होगा, 55,000 का 10%, ये हो गया 5,500। अब हुआ ये 49,500, तो ये हुआ प्रॉफिट बिफोर बाय कमीशन। ठीक है, इसमें से हमें Y का कमीशन निकालना है, तो ये जो बचेगा, ये बचेगा प्रॉफिट आफ्टर X एंड Y कमीशन। ठीक है, ये बचेगा जो भी है। तो अगर मैं इसे 100 मानता हूँ, तो ये क्या है, ये 10 है, क्योंकि ये इसी का 10% है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि Y का जो कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन के बाद है, इसका मतलब क्या है, ये 110 होगा। तो Y का कमीशन कैसे निकलेगा, 49,500 इंटू 10 अपॉन 110, दैट कम्स टू 4,500। तो ये देखिए 45,000, क्लियर है ना, 45,000 का 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे X का कमीशन कितना, X का कमीशन है आपका 5,500 और Y का कमीशन है 4,500, टोटल आपका 55,000 है। 45,000 प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया है, जब रेशियो नहीं दिया होता है तो हम क्या मानते हैं, इक्वल एक्स और वाई को, फिर हम 22,500 प्रॉफिट मार देंगे। ठीक है, चलिए समझ आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्चुअली। एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं इसके साथ ही। पढ़े क्या है, पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एज पर पार्टनरशिप डीड पवन इज टू गेट सैलरी 30,000 एंड कमीशन। और कमीशन क्या है यहाँ पर, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, वर्ड ध्यान रखिए, पारुल इज टू गेट 50,000 एंड कमीशन आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, सैलरी के बाद का है बट बिफोर कमीशन इज 5,55,000। ठीक है, तो अब इसमें बड़ा ही ट्विस्ट करके दे रखा है क्वेश्चन को, और मैं इसको एक अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ, बोथ फॉर टेस्ट पर्पज, बोथ फॉर योर एग्जाम पर्पज एंड बोथ फॉर योर CA पर्पज। एक हम पहले वर्किंग नोट बनाएं, ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ये 5,50,000 है, तो इसमें से जो भी सैलरी वगैरह है पवन की वो कितनी है, 30,000 इंटू 12, 3,60,000। और जो पारुल की सैलरी है 50,000, पहले ये आप ऐड कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन।
ये क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो इनका कमीशन था 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, ठीक है, तो इनको 10% मिलना था बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और अगर मैं सही वर्ड करूं तो एनी कमीशन, एनी सैलरी एंड कमीशन करूं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअल में सही क्वेश्चन ही होना चाहिए कि बिफोर चार्जिंग एनी सैलरी एंड कमीशन। तो अब आप पार्ल का कमीशन बताइए कितना होगा, कौन से प्रॉफिट पे निकालोगे आप? पार्ल का कमीशन निकलेगा 9,60,000 का, दैट कम्स टू 96,000, ठीक है। और तो ये हुआ हमारा कितना, हुआ ये, अब माइनस करें इसमें तो ये हो गया 8,64,000। तो ये होगा प्रॉफिट, पारुल का कमीशन है, किसका कमीशन है, 10% किसका देना है? पारुल का नहीं है, ये पवन का है, ये पवन का कमीशन है। प्रॉफिट आफ्टर पवन कमीशन बट बिफोर पारुल कमीशन, ये है मेरा 8,64,000। अब इसमें से मैं पारुल का कमीशन माइनस करूंगा तो ये जो प्रॉफिट आएगा, ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, दोनों कमीशन माइनस करने के बाद। तो अब ये अगर 100 है तो हमें इसका 8% लेना है, इसका मतलब ये कितने परसेंट होगा, 108%। तो पारुल का कमीशन कैसे निकलेगा, 8,64,000 इंटू 8/108, दैट कम्स टू 64,000। इसलिए वर्किंग नोट बनाया था। क्वेश्चन में क्या था, इन्होंने सैलरी के बाद का प्रॉफिट दिया था, तो सैलरी तो बाद में जाती है, पहले कमीशन जाता है। अब आप बड़ा सिंपल सा है, अगर इन्होंने क्वेश्चन में बोला है तो एक आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए, वर्किंग नोट आपके पास आ गया है। यहाँ पे लिख दीजिए बाय प्रॉफिट, ये 9,60,000 है, तो यहाँ पे लिखें कमीशन पवन का कितना है, 96,000, पारुल का 64,000, सैलरी पवन की है 3,60,000, पारुल की है 50,000, ये 9,60,000 है। तो 9,60,000 में से ये जो प्रॉफिट आएगा अच्छा रेशियो दिया है, तो क्या मानेंगे हम इसे, इक्वल मानेंगे वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड आपका आप इसे बांट दोगे, ठीक है। तो आई थिंक सो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। मैं तो सच बताऊं इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब कोशिश करते हैं कि आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।